लेकिन हमें कैसे जाना है वो फाइनली आ गई हैं जी। तो ये जनाब आ गई हैं, जी अस्सलाम वालेकुम। और सब व्यूअर्स का बहुत बहुत शुक्रिया जी, आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया और आप सब ने इतना प्यार दिया, इतने कमेंट्स आए और इतने लाइक्स आए मेरी कल की वीडियो के ऊपर, और वाकई देख के मुझे बड़ी खुशी हुई जनाब। और जी मैंने कहा चले आपका सबसे पहले वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आपका शुक्रिया अदा कर दूँ। तो सब दोस्तों को, भाइयों को, बहनों को, आंटियों को, खालाओं को, सबको बहुत बहुत शुक्रिया जी, आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया और सबने मेरी वीडियोस को इतना लाइक किया, इतना पसंद किया। मजीद अपडेट्स आपको आती रहेंगी जी। तो आज का प्लान ये है कि आज मुझे एक इनविटेशन आया हुआ था काफ़ी दिन का, यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है ओपियम, तो उधर मेरी दावत थी बड़े दिनों की, मैंने लास्ट वीक भी कैंसिल की, उससे पिछले वीक भी मैंने कैंसिल की। तो आज मैंने उनको फाइनली कहा, मैंने कहा जी ठीक है मैं फाइनली जो है ना जी आज डिनर पे आ रहा हूँ। तो उन्होंने इनवाइट किए हुए थे काफ़ी सारे लोग, तो तकरीबन है 100 के राउंड अबाउट लोगों का एक इंटरनेशनल वो मीटअप है। तो मेरा ख्याल है कि मैं और एक और पाकिस्तानी, हम दो ही पाकिस्तानी हैं, बाकी सारे इंटरनेशनल हैं सारे, जाहिर बात है। तो अभी मेरा टाइम है जी कटिंग करवाने का, और मैंने कहा आज खत शत करवा लें, बड़े दिन हो गए थे खत नहीं करवाया, तो आज मैं करवाऊँगा जी खत और जाके करवाएंगे अपना कटिंग। और आपको दिखाऊंगा मेरा नाई जैसे मैं बाल कटवाता हूँ, तो ये है कि वहाँ से मैंने निकलना है इंशाल्लाह। ये खैर ये ऑफिस है जी मेरा रेस्टोरेंट के ऊपर ही, तो ये है कि इधर ही ज़्यादा टाइम बैठे होते हैं जी। आज आज की ड्रेसिंग श्रेसिंग तो उस लिहाज से डिनर के हिसाब से की है, लेकिन यह है कि बाकी अभी थोड़ा सा आके ना ये खदशत करा के आके थोड़ा कटिंग कटिंग करा के फ्रेश हो जाऊँगा। चलें जी इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं, आपको भी लेके चलते हैं जिधर से मैंने कटिंग करानी है, और वहाँ से फिर आपको दिखाएंगे अगली रूटीन, और रात को आपको दिखाएंगे डिनर जो हमने डिनर करना है। और मजीद अपडेट्स के लिए हमारे साथ रहें जी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लें जी कटिंग हो गई है जी मेरी, और ये है जी हेयर सलून जिधर बाल धोते हैं, यहाँ पर ये कटिंग करते हैं, और बड़ा साफ़ सुथरा और बारसुनता का टॉप है ये एरिया जी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वंस अगेन जी मैं पहुँच गया हूँ इस वक्त बीच पे, और जनाब आज जैसे आपको बताया था कि मेरा डिनर था, तो इस वक्त जी जो मेरे मेहमान हैं जिनके हमें कट्ठे जाना है वो फाइनली आ गई हैं जी। तो ये जनाब आ गई हैं अलीस और जीजी। तो जी अब हम लोग जा रहे हैं वॉक करने के लिए, और फिर हम लोग जाएंगे तो फिर हम लोगों ने जाना है जी अब डिनर करने के लिए। तो आज बिल्कुल बड़ा मिट्टी सा मौसम है, और इस वक्त हवा बड़ी तेज़ चल रही है बीच के ऊपर, मैं इस वक्त बिल्कुल अभी आपको बीच भी दिखाता हूँ कि बीच कैसा लग रहा है। वेव्स बड़ी फास्ट हैं जी। ये सामने दो बिल्डिंग नज़र आ रही हैं, इसके नीचे ही हमारा है डिनर। तो जैसा बताया था कि मैं इनवाइटेड था फ्रॉम लॉन्ग टाइम, तो मुझे टाइम ही नहीं मिला जाने का डिनर पे, तो आज फाइनली मैंने कहा जी नहीं जी आज मैं आ रहा हूँ फाइनली। तो जी हम लोगों ने प्लान किया कि हम लोगों ने कहा जी बिल्कुल आज हम डिनर करेंगे। ग्रेसियस। तो जी सी यू सून इंशाल्लाह, वहाँ पर पहुँच के आपको दिखाते हैं जी। जी बाय बाय। तो जी अब हम फूड एंजॉय करेंगे जी, खाना आ गया है, तो अभी आपसे कमेंट शेयर करते रहेंगे खाना कैसा है। Thank you.
ले जी खाना आ गया है और ये है जी एक ग्रिल स्टेक, बीफ स्टेक। और मुझे नहीं लग रहा इससे मेरी भूख खत्म होगी, लेकिन अभी ले खा के देखते हैं, अगर मुझे भूख हुई तो कुछ और ऑर्डर कर लेंगे। और साथ हैं जी बासमती राइस विद एवोकाडो और वेजिटेबल्स। तो चलिए जी हम खाना शुरू करते हैं। सी यू सून अगेन, थैंक यू। ले जी व्यूअर्स, खाना मैंने खा लिया है और बस जी तैयार किया, आइंदा मैंने ना यूरोपियन डिनर पे नहीं जाना। उसकी वजह यह है सर कि पोर्शन इतने छोटे छोटे थे, मतलब उन्होंने थोड़े से ला के ब्रेड नान के भी आधे नान के पीस करके रखे हुए थे, साथ साथ उन्होंने हुमूस दिया और जी साथ उन्होंने जनाब थोड़ा सा मुझे दे दिया फ्राइड कलामार फिश, बिल्कुल 5-6 पीस। और बाद में उन्होंने छोटा सा पीस एक मीट का दे दिया, जितना कि हम एक कबाब में खा लेते। अब आप इमेजिन करें कि हम पाकिस्तानी लोग हैं, हम लोगों का इतने खाने से बनता ही कुछ नहीं है, यकीन करें। तो इसलिए जी अपना खाना देसी खाना है जी, तो आइंदा इनके पास आके नहीं खाना खाना। मैं ना इनको मैं अगली दावत दूंगा इन सारों को। तो तकरीबन 60-70 लोग थे जिनका डिनर था आज, तो नेक्स्ट खाना इनको मैं दूंगा, इनको खिलाऊंगा ना जब चिकन कढ़ाई, बटन कढ़ाई, साथ चिकन कबाब, कुछ मुर्गा रोस्ट, तो तान पता लगेगा जी कि असली रोटी किन्नू कहते हैं। इन्होंने जनाब है सिर्फ अपना इंतरे को जी अपना हुमस विद ब्रेड 4-5 चीज़ें दे के इन्होंने फारग कर दिए, सो डिसअपॉइंटेड जी। मेरी अब इनकी तरफ से अल्लाह हाफिज़, इनको मैं यहाँ पे खुदा हाफिज़ कर दूंगा जी। अल्लाह हाफिज़ इनकी तरफ से अल्लाह हाफिज़, लेकिन मैं भी बैक रूटीन पे जाऊँगा क्योंकि इन्होंने अभी अपनी फोटोग्राफी शुरू कर दी है। टेक केयर जी, सी यू जी। व्यूअर्स, तो मैं निकल चुका हूँ घर के लिए और यहाँ पर बूंदाबांदी शुरू हो रही है और जी साथ साथ मैं अपने हसब आदत तुलसी खा रहा हूँ और साथ साथ जी ड्राइव कर रहा हूँ बारिश में। तो कुछ लोगों ने मुझे कहा था जी कि हमारा नाम जरूर लें, उनमें था जी अनाया फ्रॉम पिंडी, थैंक यू सो मच जी, आप सब्सक्राइब किया आपने मेरा चैनल जी। उसके बाद है जी किरण क्लीम और उसके बाद है जी असमा रशीद, रहीम यार खान से भी, तो उसके बाद जुल्फी रिजवी। और जी थैंक यू सो मच जी, आप सारे मेरा व्लॉग देखते हैं और इतना पसंद करते हैं जी, तो आप सबकी सपोर्ट का, आप सबके प्यार का बहुत शुक्रिया। ये देखें जी बारिश हो रही है बड़ी प्यारी, तो आपके साथ इसी बारिश पे एक शेर सुना के और आपसे इजाज़त लेंगे जी। तो शेर मुझे याद आया जी आज के, तू ना आता तेरी आवाज़ तो आया करती, तू ना आता तेरी आवाज़ तो आया करती, घर भी किस्मत से तेरे घर के बराबर ना मिला। वाह 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 कशान शाह साहब, वाह वाह छा गए। तो सर इसी बात पे अपना ख्याल रखें जी, बहुत ज़्यादा साहब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में। और जी मैं ड्राइव बैक होम इंशाल्लाह, टेक केयर जी, सबको गुड नाइट।